103 किताबों का जो इल्म है वो अल्लाह करीम ने इस कुरान में बयान फरमाया। इससे पहले जितनी किताबें नाजिल हुई हैं, किसी किताब के मुताबिक अल्लाह ने कलामुल्लाह ही कहा सिवाय कुरान मजीद के, इसे रब ने अपना कलाम कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महीनों में से जिस महीने को शर्फ दिया है, मैं और आप जानते हैं वो रमजान का महीना है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, हमने कुरान को रमजान के महीने में नाज़िल फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नाजिल क्यों किया रब ने? इसलिए तोते और मैना की तरह हम इसको पढ़ें, इसलिए कि सिर्फ इससे मुर्दे बख्शवाए जाए? इसका उतारने का मकसद क्या था? अल्लाह रब्बुल आलमीन जा बजा कुरान में फरमाता है, इसका मकसद क्या है? हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, हमने जो ये किताब नाजिल की थी ये लोगों की रहनुमाई के लिए की थी। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं, डब्बा पैक मोबाइल खरीदते हैं, जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी किताब मिलेगी चाइनीज जबान में, इंग्लिश जबान में। उस पर तस्वीर के जरिए समझाया गया होता है कि ये आपने मोबाइल को कैसे यूज करना है। ये जो 5 या 6 फीट की मशीन है, इसको चलाने के लिए रब्बुल आलमीन ने हमें ये किताब अता की। जिन लोगों ने इस किताब पर अमल किया उनकी जिंदगियां किस कदर खूबसूरत थी, आज दुनिया उन लोगों के किस्से बयान करती है, आज दुनिया उन लोगों की जिंदगियों को अपने लिए अहमियत समझती है। और जब से हमने इस कुरान को छोड़ा है, सिर्फ हमने तोते और मैना की तरह रटना शुरू किया है। कुरान शिकवा करता है ना,
ताक में सजाया जाता हूँ, आंखों में लगाया जाता हूँ, ताक में सजाया जाता हूँ, आंखों में लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, दोतों के पिलाया जाता हूँ। आज क्या सूरत हाल है? कुरान तावीज बन रहे हैं, इसको जेल पढ़ लो, इसकी इतनी जोर पे पढ़ लो। मैं इस बात का इनकारी नहीं कि इसके पढ़ने से अजर सवाब नहीं मिलता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा इसका एक अर्थ पढ़ता है रब करीम का से नेकियां अता करता है, बड़े शर्फ की बात है। लेकिन जब मैं इमाम कायनात के आने का मकसद पढ़ता हूं रब के कुरान में, तो रब क्या कहता है? वल्लजी बअस फिल उम्मीन रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम किताब वल हिकमा। अल्लाह क्या कहता है? वो तो वो ज़ात है जिसने उम्मियों में नबी भेजा है, और उसके आने का मकसद क्या है? वो कुरान की तिलावत करता है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान अरबी नहीं थी, हैं? बोलो ना यार, अरबी थी। तिलावत अगर आपको आती है, सहाबा की ज़बान भी अरबी है, लेकिन यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब का क्या माना है? माना ये है किताब व हिकमत की तालीम देता है। किताब व हिकमत की तालीम, इन्ना नहन नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान मैंने नाज़िल किया है, इससे पहले जितनी किताबें आई रद्द व बदल हो गया, उसके कवानीन को बदल दिया गया, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लाख जमानों में आंधियां तूफान आ जाए, दुनिया की हर किताब में तब्दीली हो सकती है, लेकिन रब के कुरान में नहीं। और साथ साथ ये भी आपको बात बता दूं, सिर्फ रब के कुरान की हिफाजत नहीं, अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की अहदीस की भी हिफाजत की है। इसकी दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब नबी फरमाता है सल्लू कमा आए तो बोली उसली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। अल्लाह कुरान में कहता है अकामु सला, नमाज कायम करो, नबी की नमाज कुरान में तो नहीं, कहां से मिलेगी? अहदीस है। जो कुरान की आयत या कुरान मकसद ही ना समझ आए उस किताब के उतारने का कोई फायदा है? इसलिए कुरान को समझने के लिए नबी अलैहिस्सलाम की एक एक आदाब की ग्राम ने हिफाजत की है। इसलिए ज़खीरा अहदीस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है ये सही है, ये गैर सही है, ये हसन है, ये हसन ले जाते ही है, ये सही ले गैर ही, सही ले जाते ही, ये शुरू कैसे मिलती है? उसकी वजह यही है कि नबी अलैहिस्सलाम की बातों की भी रब ने हिफाजत की है। आइए हम दावत दें तो किससे दें? लोग कहते हैं कि फिका को पढ़ना बड़ा जरूरी है, दिल तब समझ आएगा। हमने पढ़ा है, अल्लाह की कसम रब का कुरान आसान है, हिदायत मुश्किल है। नबी की हदीस समझना इंतहाई आसान है, लेकिन कुदूरी के उसूल समझना इंतहाई मुश्किल है। उसूल शासी इंतहाई मुश्किल है, नूर अनवार इंतहाई मुश्किल है। जाओ उठा के देखो, इसलिए तो बेचारे खुद भी अपने नुक्कड़ पर इसका दर्स ही नहीं देते। हाँ अगर हिदायत उठा के देखो ना तो उसका
उसके मुकदमे में लिखा हुआ है इन्नल हिदाया, कल कुरान हिदाया कुरानी की तरह है। यह जरूरत नहीं है कि रब के कुरान से मुंह मोड़ के तुम दूसरी तरफ चलाते हो जिसके अंदर अपनी ख्वाहिशात तुम्हारी है और इल्जाम आईमा पर लगाते हो। रब काबा की कसम है, मुसल्ले पे बैठा हूं, मैं दावा करता हूं जो मसाइल इसके अंदर है एक मसला भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का नहीं, एक मसला भी साबित करके दिया जाए। ये जो गैप है 300-400 साल का गैप है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का और इन किताबों का, वो सिर्फ तो पेश करें कि इमाम साहब से ये मसला देखा किसने, सीखा किसने, बयान किसने किया, उनसे किसने लिया। हम जब अहदीस पढ़ते हैं तो हदसना फला हदसना फला हदसना फला अल फला ये एक सनद चलती है, लेकिन ये जो मसाइल है इमाम साहब की तरफ मरसूम है, हमें एक भी सनद नहीं मिलती। उस पर इतना यकीन है कि इन मसाइल को समझने तो जन्नत मिल जाएगी और रब के कुरान पर नबी की अहदीस पर जिनकी सनदे है उस पर यकीन नहीं है, इससे बड़ा फलू क्या है? ये सितम नहीं है? कभी तन्हाई में बैठ के सोचिए कि जो हमारे मुआशरे में हमें कह दिया जाता है कि इमाम अबू हनीफा का मसला ये है, सवाल ये करो पूछो उससे कि ये मसला कहाँ लिखा हुआ है और जिसने लिखा है उसकी जिंदगी का और इमाम साहब की जिंदगी के दरमियान गैप कितना है, वो सनद पेश करो, वो सनद ला के दो। सनद पेश करोगे हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब तक नहीं मानेंगे फिर भी जब तक वो मसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना। आइए, हमें ये भी कहा जाता है कि जी हमारे औलिया आए जो है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, उन्होंने आके हिंदुस्तान में इस्लाम इतना फैला दिया और ये कवाली के जरिए, क्योंकि लोग यहाँ के स्वर संगीत के दिलदार थे, उन्होंने ढोलक बजा के दीन को फैलाया, इसीलिए तो कंजर पैदा हुए हैं, इसीलिए तो वरासी आए। उठाओ वरासी, उससे पूछो तेरा ताल्लुक किस मसलक से है, तुम्हें बताएगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हनफी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हनफी हूं, इसलिए कि जो सुरंगी पर मुसलमान हुआ वो सुरंगी सुनता भी है, सुरंगी बजाता भी है, और जिसने रब का कुरान सुन के मुसलमान हुआ, आओ मैं तुम्हारे सामने मिसाल पेश करता हूं। मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहि सलाम ने मुबल्लिग बना के भेजा मदीने में और रब का कुरान पढ़ के लोगों को दावत देता है, कुरान पढ़ के। उसैद बिन हुजैर आता है, कहते हैं कल का सूरज निकलने से पहले पहले मदीने को छोड़ देना वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा तेरे से। कल का सूरज तुलू होने से पहले पहले चले जाना मदीने में, नजर नहीं आना। मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं यार चला जाऊंगा, बस एक बात तेरे सामने कहना चाहता हूं, जो मैंने इनको सुनाया है ना वो आपको सुनाता हूं, अगर समझ आए तो ठीक है, ना आए ना तो बता देना मैं चला जाऊंगा। मूसा बिन उमैर ने क्या पढ़ा? रब का कुरान सुनाया उसैद बिन हुजैर को, जो थोड़ी देर पहले ये बात कह रहा था कि मदीने को छोड़ के चला जा, उसैद बिन हुजैर ने जब रब का कुरान सुना उसी वक्त कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, और मुसलमान जब हुआ रब का कुरान सुन के मुसलमान हुआ, फिर कुरान से मोहब्बत ऐसी हुई कि एक रात आ गई, रात को क्या देखते हैं कि जब कुरान पढ़ता है तो आपका पास घोड़ा खड़ा है वो बिकने लग जाता है, डर लगा कहीं वो घोड़ा मेरे बच्चे को कुछ ना दे। यही कैफियत रही, जैसे कुरान पढ़े घोड़ा जो है वो कूदने लग जाए। आखिरकार नजर जब ऊपर पड़ी तो रोशनियां आसमान की तरफ जा रही थी, नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए, आके अर्ज करते अल्लाह के रसूल जी रात रात ये माजरा हुआ है, मैं रब का कुरान पढ़ता था, मेरा बच्चे मेरा घोड़ा बिकने लग जाता था, मैं डर के मारे खामोश हो जाता कहीं ये बच्चे मेरे यहिया को कुचल न दें, लेकिन अचानक जब मेरी नजर पड़ी तो रोशनी
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शायद तू रब का कुरान पढ़ रहा था, तेरा कुरान सुनने के लिए रब के फरिश्ते आए थे। जो कुरान पढ़ के मुसलमान होता है उसकी मोहब्बत कुरान से होती है, और जो सुरंगियों से मुसलमान होता है वो हमेशा सादा आबाद हो जाता है। कितने गए इधर सलाम फिरा 90,000 हो गए, इधर फिरा सलाम 90,000 कहां गए? एक सलाम के साथ जो पीर साहब तुम्हारे 90,000 मुसलमान करते थे वो मुसलमान कहां गए? ये सब झूठ है। दावत देनी है तो रब के कुरान की दावत दीजिए। जिस पर रब के कुरान का रंग आ गया अल्लाह की कसम जिंदगी में कभी उतरेगा नहीं। जो कुरान सुन के मुसलमान हुआ उसकी हालत ये थी, उसकी कैफियत ये थी। कुरान के साथ रब इज्जतें अता करता। नबी अलैहिस्सलाम का एक प्यारा साहबी छोटा है उम्र में, उमर इसका नाम है, कहते हैं मेरा कबीला नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, मुसलमान हुआ, वहां रहे। मैं बच्चा था, मक्के और मदीने के दरमियान हमारी बस्ती थी, वहां एक कुआं था, यहां से मुसाफिर गुजरते उस कुएं पर कयाम करते, रुकते, ठहरते, आराम करते। मुसलमानों का भी वहीं से गुजर होता और वो भी वहां रुकते, जैसे ठहरते वो कोई और कुछ नहीं पढ़ते थे सिवाय रब के कुरान के। वो रब का कुरान पढ़ते, मैं उनकी जबान से सुनता, वो पढ़ते जाते मैं उसको याद करता जाता। काफी अरसा मेरी कौम के लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास ठहरे, जब वापस आने लगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वहां जाओ ना जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद हो उसे अपना इमाम बना लेना। नबी अलैहिस्सलाम से वापस आए, बस्ती के लोग सारे बैठ गए। अब पूछने लगे कुरान किसको ज्यादा याद है? कोई कहता मुझे इतनी जोर से याद है, कोई कहता मुझे इतनी याद है। ये बच्चा खड़ा हुआ था पास, कहता है तुम सबसे ज्यादा कुरान मुझे याद है, मुझे याद है। बस्ती के सरदार पूछते हैं आप तो गए भी नहीं, आपको कुरान कैसे याद हो गया? वो मेरे तेरे बच्चों की तरह नहीं थे कि उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, बेटा गेमें देखो, बेटा कार्टून देखो, बेटा ये चीजें देखो, बाहर निकले तो जाके दुकानों पे लूडो दूर खेलने लगता है। हमें फरागत मिली तो हम घर में लूडो ले आए, पूरा खानदान बैठ गया लूडो खेलने। मौलवी साहब हराम है या हलाल है? मुफ्ती से फतवे भी लेने हैं साथ साथ। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों सुनो, ये बच्चा है रब के कुरान का दीदार है, बस्ती वालों से कहता सबसे ज्यादा कुरान मैं जानता हूँ। पूछा कैसे? कहा मैं उस कुएं की मुनेर पे बैठ जाता, मुसलमान गुजरते थे वो आराम करने के लिए वहां रुकते, कुरान पढ़ते, मैं उनकी जबान से कुरान सुन सुन के मैंने याद किया। कौम ने अपना इमाम बनाया, बस्ती के बड़े बड़े चौधरी पीछे, ये बच्चा आगे खड़ा है नमाज पढ़ा रहा है। कौम की औरतें गुजर रही है, देखा क्या बच्चे के नीचे कोई चीज तहमत वगैरह ही नहीं है। वो लंबा सा जब सजदे में गए, बच्चा सजदे में गया तो पीछे सतर खुल गया, तो कौम की औरतें कहती हैं, कौम की औरतें कहती हैं इस कौम को कुछ न कुछ इकट्ठा करके अपने इमाम का सतर तो बना लेना चाहिए। जब नमाज से फारग हुए तो सारे मुख्तलियों ने पैसे इकट्ठे किए। अब वो जो कपड़ा लेके आए, कहते हैं अल्लाह की कसम, हजरत उमर कहते हैं अल्लाह की कसम जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आया जो दिन ये था कि रब ने कुरान की वजह से इज्जत दिया, कुरान की वजह से सदर दिया, कुरान की वजह से सदर मिला, कुरान की वजह से। और सहाबा का कुरान पढ़ना, मेरा कुरान पढ़ना, तेरा कुरान पढ़ना बड़ा फर्क है। अल्लाह के महबूब नबी के दो सहाबी हैं, एक का नाम मुआज़ बिन जबल है और दूसरे का नाम मूसा अशारी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने यमन के दोनों को गवर्नर बनाया, एक इलाके का एक को, दूसरे का दूसरे। फरमाते हैं काफी अरसा गुजर गया, मुआज़ बिन जबल कहते हैं मेरा एक दिन दिल किया कि मैं मूसा अशारी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से मिल के तो आऊं। मैं सवारी पर सवार हुआ, मैं आया, जब मैं पहुंचा उस
कर दिया। कहा मुआज मैंने जुल्म नहीं किया, ये जालिम इंसान है, इसने इस्लाम कबूल किया था और मुर्तद हो गया। कहा अल्लाह की कसम मैं तब तक अपना कदम जमीन पर नहीं रखूंगा जब तक तू इसके बारे में फैसला ना कर दे। और फैसला क्या है कि जब तक इसकी तू गर्दन ना उड़ाती, उसकी गर्दन काट दी गई, उसको सजा दी गई। मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीचे उतरे, सबसे पहला सवाल क्या है, हम मिले ना तो हम कहते हैं और सुना ठीक है तगड़ा है, हाल चाल पूछते हैं, बच्चे ठीक ने, खानदान कैसा है, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है, पूछना तो ये चाहिए था तेरी हुकूमत कैसी चल रही है, सवाल क्या किया। मूसा शरी अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया है रब करीम ने आपको लहने दाऊदिया तक किया है, आप बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं, रब ने हुकूमत तुम्हें दी है, रब ने आपको कुरान बनाया है, अब मुझे बता कुरान का कुरान कैसे पढ़ता है। अब सुनिए, कहा मुआज जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं रब का कुरान पढ़ने लग जाता हूं, जब भी मुझे वक्त मिलता है, जब भी मैं फारिग होता हूं मैं कोई और काम नहीं करता, मैं रब का कुरान पढ़ता हूं। और फिर इन्होंने सवाल किया, मुआज ये बता कि तू कैसे रब का कुरान पढ़ता है, नबी अलैहिस्सलाम ने आपको उम्मत का आलिम करार दिया है, आप कुरान कैसे पढ़ते हो। फरमाया मैंने रात के तीन हिस्से मुकर्रर किए हैं, एक हिस्सा मैं सोकर गुजारता हूं, दूसरा हिस्सा अपने अहले इयाल को देता हूं, और तीसरा हिस्सा मैं अपने रब के लिए रखा है, उस हिस्से में रब का कुरान पढ़ता हूं। ये सहाबा है जिन्हें रब ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिन्हें दुनिया की जिंदगी में रब ने जन्नत की बशारतें दी हैं, उनके आमाल ये थे, उनके तरीके ये थे, उनके सलीके ये थे। हम इसलिए कहते हैं मुसलमान कुरान देने कुरान के करीब आके देखो तो सही किस कदर चाशनी है, किस कदर मोहब्बत है, किस कदर प्यार है। मुसलमान कुरान देने आओ, कुरान दे लाल आया बहार, कलामे खुदा लो कलामे इलाह लो, जिन्ना सीने लाया नबी नाल रब के लुटिया बहारा। जिन्होंने कुरान को अपने सीने से लगा लिया, दुनिया में भी महबूब नबी के प्यारे बन गए, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के प्यारे बन जाए। अल्लाह उन्हें दुनिया में भी कामयाबी, आखरत में भी कामयाबी उनका मुकद्दर। आइए सुनिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुस्लिम अबी हुरैरा के अंदर ये रवायत मौजूद है और हसन दर्जे की है, नबी अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा अहदीस याद करने वाला वाहिद बंदा है वो है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सैयदना अबू हुरैरा आप फरमाया करते थे अंसारियों तुम्हें खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं मिली, और हाजरीन तुम्हें तजारतों से फुर्सत नहीं मिली, मैं वो बंदा था जिसने हर लम्हा प्यारे नबी की खिदमत में गुजार दिया, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम की अहदीस याद किए। लेकिन क्या करें, शिया बाकी सहाबा पर तबर्रा करता है, एक गुरु और भी है जो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को तो फकीह कहता है लेकिन सैयदना अबू हुरैरा को गैर फकीह कहता है। गैर फकीह का मतलब क्या है, चंद दिन पहले मैं मेरा भाई बैठा हुआ है, इसलिए मैंने पूछा था मुझे बताइए कि गैर फकीह किसे कहते हैं, ये लुगत के भी ग्रामर के भी खिलाफ है। आप वो खुद को कहते हैं अहले सुन्नत, हमें कहते हैं गैर मुकल्लिद, अपने आप को मुकल्लिद भी कम कहते हैं, अहले सुन्नत
हमें कहते हैं गैर मुकल्लिद। मुझे ये बताएं अहले सुन्नत की गैर मुकल्लिद होती है, है? क्यों भाई मुकल्लिद की भी नहीं है, गैर मुकल्लिद ऐसे ही है जैसे आप कहो दिन की ऑपोजिट क्या है, दिन की मुतजाद क्या है, बोले ना यार रात। अगर कोई कहे गैर रात हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका मतलब मौसूल ही गलत है। जब मुकल्लद है तो इसका मुतजाद अहले हदीस है, हदीस वाला अहले सुन्नत है। गैर मुकल्लद किस बात, ये कौन सा कानून है, कौन सा कायदा है जिसकी बुनियाद पर यह लफ्ज कहा जाता है? और ग्रामर फिर हमें पढ़ाते हैं जी तुम्हें ग्रामर नहीं आते, और खुद ग्रामर की धज्जियां उड़ाते हैं। ये क्यों नहीं बोलते कि अहले हदीस है? हाँ ये बोलने के तुम्हें जूते मारने। और यहां फकीह की जिद है अहमद, फकीह की जिद है बेवकूफ, फकीह की जिद है पागल, फकीह की जिद है मजनू। अब साहबी को बोले ये कि अबू हुरैरा नाउज़ बिल्ला मजनू है, पागल है, अहमक है, नाउज़ बिल्ला, लोग जूते नहीं मारेंगे? ऐसे ही है ना, जूते मारेंगे ना? नहीं जी, वो गैर फकीह है, गैर फकीह है इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे मुसाइब के तुम्हारे मुंह पे तमाचे मारे हैं। जब उनसे पूछा जाता है इमाम के पीछे सूरत अल फातिहा पढ़े या ना पढ़े, कहाँ पढ़नी चाहिए, कहाँ इमाम के पीछे खड़े हो, सही मुस्लिम में रिवायत है। जब उनसे पूछा गया अगर इमाम के पीछे हूँ क्या फिर भी सूरत अल फातिहा पढ़ूं, तो वो फरमाते हैं पढ़नी है नफसिक बिहा, ऊंची आवाज में नहीं पढ़नी, ऐसा पढ़नी है, ऐसा पढ़नी है। फिर हमें कहते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो चुप रहो, इदा कुरिया कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए बड़े तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, उसको गौर से सुनना चाहिए, चुप रहना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, कुरान पढ़ा जाए। सवाल ये पैदा होता है कुरान के कितने पारे हैं, ऊंची आवाज से बोलिए 30, जो नहीं बोलता वो लगता है 40 का कायल है, 30 है, 30 है, 30 ही है ना। दूसरे पारे का नाम क्या है, सयकुल, ये पारे का पहला लफ्ज है, ऐसे ही है। और पहले पारे का नाम क्या है, ऊंची आवाज है, अलिफ लाम मीम किस सुन्नत का हिस्सा है, इससे पहले सुन्नत कौन सी है, उसका पहला लफ्ज कौन सा है, पारे का नाम क्या होना चाहिए था, क्यों अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमने बनाया, ये भी भाभियों ने बनाया, ये भी अहले हदीस ने बनाया है। रब की मेहरबानी है, जूते भी तुम्हारे हैं, सर में भी तुम्हारे मारते हैं, अलिफ लाम मीम तुमने ही इस पारे का नाम रखा। हम कहते हैं इदा कुरे अल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, तुम कहते हो ना कुरान पढ़ा जाए, कुरान कहां से शुरू होता है, अलिफ लाम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, सूरतुल फातिहा कुरान का मुकदमा है, कुरान का मुकदमा। और रब के हबीब ने कहा कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज को अल्लाह की तरफ इसकी रिवायत की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम किया है, अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को। अब कौन सी, जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब उसके जवाब में कहता है हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। और जो बंदा पीछे खड़ा इमाम के सुम्म बुकम चुप साध के खड़ा है, रोटी इमाम साहब खाएगा मेरी भूख भी मर जाएगी, ऐसे है घर का सरबरा बाप रोटी खा ले बच्चों के पेट भर जाते, बोलो यार नहीं भरते, बच्चे नहीं खाते, नहीं
खाते हैं ना, खाते हैं वो भी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ समझ के रहने की वो आगे जो खड़ा ना वो सब कुछ किए जा रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े फकीर पैदा होते हैं, इसीलिए तो फिका लेकर मारी है, और ऐसी लग के मारी है जो किसी के समझ में भी नहीं आती। उसे कहते हैं कि हमने फिका दीन को आसान किया है। रब कुरान के बारे में कहता है कि कुरान आसान है, कोई इसको पढ़े तो सही, इसको सीखे तो सही। और हाथ ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी, जानने के बाद भी फिर भी कहते हैं ना माने, नहीं मानते हम इस चीज को। हम उसके लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह उसे उन सबको हिदायत दे जो कुरान को समझते हैं, जो हदीस को समझते हैं। और सही तरीन हदीस है, सुनिए, मुस्लिम अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के अंदर मौजूद है। वह नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह के रसूल जी कोई नसीहत कर दो, कुछ नसीहत ही कर दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा, रब का कुरान पढ़ा कर और कुरान पढ़ाया कर। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमहू। दुनिया कहती है बिजनेसमैन बड़ा तगड़ा, बड़ा अच्छा है, बड़ा मालिक, बड़ा आदमी है, लेकिन बड़ा रमीन बनाता है कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला हर इंसान से बेहतर है कुरान पढ़ने वाला। अबू हुरैरा, कुरान पढ़ा कर, कुरान पढ़ाया कर। अल्लाह के रसूल जी, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे मिलेगा क्या? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा, तू दुनिया से चला गया ना, तेरा पीछे कोई दुआ करने वाला हो ना हो, रब तेरी कब्र पर 70,000 फरिश्ता मुकर्र करेगा जो तेरे लिए दुआएं इस्तिगफार करे। कौन? जिसके सीने में कुरान है, जो रब का कुरान पढ़ता है, जो रब का कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर गया, कब्र में चला गया, दुनिया में कोई दुआ करे ना करे, रब 70,000 फरिश्ता उसकी कब्र पर मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए दुआ इस्तिगफार करते हैं। अमीनुल्लाह कुशावरी अपने फतावा जिल्द नंबर 6 में लिखते हैं कि जिन जिस्मों को कब्र की मट्टी नहीं खाती, जिन जिस्मों को कब्र की मट्टी नहीं खाती, अंबिया के जिस्म हैं, औलिया के जिस्म हैं, शहदा के जिस्म हैं, सालिहीन के जिस्म हैं, और उन अजसाम में से एक जिस्म हाफिज़े कुरान का है। अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया, रब उस कब्र की मट्टी की तरफ वही करता है, ऐ कब्र की मट्टी, तेरे पेट में वो बंदा आया है जिसके सीने में मेरा कुरान है, मैं तुझे हुक्म देता हूं इसके जिस्म को खाना नहीं। और मट्टी ज़माने हाल से कहती है, अल्लाह मैं इसके वजूद को कैसे खाऊं, इसके वजूद में, इसके तन में, इसके बदन में, इसके सीने में तेरा कलाम है, तेरा कुरान है, मैं इसके जिस्म को नहीं खाऊं। ये उस बंदे की अजमत है जो कुरान अपने सीने में रखता है, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। अल्लाह करीम ने उसको बड़ी अजमतें दी हैं, बड़ी इज्जतें दी हैं। बस इसी बात से अंदाज़ा लगाओ ना, जिस महीने में ये कुरान नाजिल हुआ है वो महीना सारे महीनों पर सबकत ले गया, फिर जिस रात में ये कुरान नाजिल हुआ है वो रात लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह वो रात ही हमें दे दे जिस रात में ये तेरा कुरान नाजिल हुआ है, हम उस रात में तेरी इबादत करके वो फजीलत पाना चाहते हैं जो 80-86 साल की इबादत करके भी नहीं पा सकता। अल्लाह हम वो फजीलत पाना चाहते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि आपका मुख्तसर वक्त लूँगा, आधा घंटा हो गया। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब रहमान, जितना हमने कुरान पढ़ा है, सुना है, जो इबादत की है, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह अपनी रहमत से अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अकुल कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिन। पर्चियाँ मेरे पास इतनी और भी आ रही, लगता आधा घंटा तो इसको बयान करने में लग जाएगा, फिर उसके बाद आधा घंटा हम दुआ करें।